हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देख ही लिया है, हम यहाँ पर सोया चंक्स बना रहे हैं और सोया चंक्स काफ़ी हेल्दी होते हैं। इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है। ये मैंने अच्छे से भिगो दिए हैं। मैं 5 से 10 मिनट इसको भिगो कर रखूँगी हल्के गर्म पानी में। और यहाँ मैं 3 से 4 चम्मच दही के ले रही हूँ। और इसमें मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और इसमें मैं अब थोड़ा सा नमक डालूंगी। ये सूखा धनिया पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर, और मैं यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर भी डाल देती हूँ चुटकी भर। अब मैंने इसको अच्छे से मिलाऊंगी और इसमें ये जो मैंने भिगो कर रखे थे सोया चंक्स, इनका पानी निकाल दूंगी और वो मैं दही में जो ये मसाले डाल के इनमें अच्छे से मिलाऊंगी, जिससे सभी मसाले ये सोया चंक्स के ऊपर लग जाएंगे। ये सोया चंक्स काफ़ी हेल्दी होता है। सोयाबीन से तेल निकाल कर ही सोया चंक्स ये तैयार किए जाते हैं। इन्हें वैसे सोया बड़ी भी कहते हैं। और जो वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं और उन्हें प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होती, तो ये मतलब सोया चंक्स से काफ़ी प्रोटीन मिलता है। जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसे आप लंच में, डिनर में कभी भी बनाकर, कोई भी सब्जी इसकी रेसिपी बनाकर खा सकते हैं। और जो ये मैं आपके लिए बनाई, इसे तो आप शाम को भूख लगे, तेज़ भूख लगती है, तो उस टाइम पर भी बनाकर खा सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी नाश्ता है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तेल के लिए हैं, उसमें 1 मीडियम साइज प्याज डाला है और ये थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन को भी चॉप करके डाला है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए चलाएंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ सब्जियाँ डालती हूँ। ये मैंने छोटा छोटा काट के गाजर डाला है और यहीं पर मैं शिमला मिर्च भी डाल दूँगी। आपके पास जितनी सब्जी रखी हो, जो आपको पसंद हो, आप छोटा छोटा काट कर वो सभी सब्जियाँ इसमें डाल सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कुछ अलग से नहीं है कि यही सब्जी डालनी है। जो भी आपके पास सब्जियाँ हैं आप वो डाल सकते हैं। आप इसको चलाएंगे और इसमें हम अब टमाटर की प्यूरी डालेंगे। ये देखिए, आप कोई भी 1 से 2 टमाटर आपके घर में हो तो उसको अच्छे से साफ़ करके उसकी प्यूरी बना सकते हैं घर पर ही। और ये अच्छे से आप इसमें डालेंगे और भूनेंगे। अब हम इसमें भी कुछ मसाले डालेंगे, जैसे नमक है और मिर्च वगैरह है, ये चलाएंगे और अब हम इसमें डाल देंगे। ये सोया चंक्स हमारे लिए, हमारे दांतों के लिए, हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और ये एनीमिया से भी हमारा बचाव करता है। ये मैंने टेस्ट के अनुसार नमक और लाल मिर्च डाला है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर काली मिर्च भी डाल देती हूँ। हमने पहले दही में भी डाली थी काली मिर्च। और इसको चलाएंगे, जब ये तेल छोड़ने लगेगा, ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आ गया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये जो सोया सॉस होता है, सोया सॉस का 1 चम्मच और रेड चिली सॉस, ये दोनों डाल दूंगी। ये देखिए, इससे एकदम से हमारे सोया चंक्स का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर रेड चिली सॉस डाला है और इसको हम चलाएंगे। आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको काफ़ी टेस्टी लगने वाला है और आप इसको कभी भी एक हेल्दी नाश्ते के रूप में किसी भी टाइम बनाकर खा सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा कुछ नहीं खाना तो आप इसे डिनर और लंच में भी ले सकते हैं। ये देखिए, हमने जो ये दही में मिलाकर रखे थे सोया चंक्स, अब हम इसको सभी को इसमें डालकर चलाएंगे। ये वज़न कंट्रोल करने में भी काफ़ी अच्छा होता है सोया चंक्स, तो आप इसे काफ़ी अच्छे से ले सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता है, ये एक हेल्दी फूड में आता है। आपको तेज़ भूख लगी है शाम के टाइम, आप कभी भी खा सकते हैं इसको बनाकर। ये देखिए, बस अब हमारा सोया चंक्स रेडी है, क्योंकि हम इसको नाश्ते में ऐसे ही खाने वाले हैं। तो मैं इसमें कोई अभी पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ और नहीं ऐड कर रही हूँ। बस इसको हम ऐसे लेंगे और ये सोया चंक्स खाएंगे। ये काफ़ी टेस्टी है, मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ। आप भी इसको काफ़ी पसंद करने वाले हैं क्योंकि ये टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी है। अब ये हम ऊपर से हल्का सा हरा धनिया डाल रहे हैं, जिसे देखने में भी अच्छा लगे। अब देखिए, ये जो मेरे पास बचे हुए हैं, इसमें मेरे पास जो चावल बचे हुए थे वो डालकर अब मिक्स कर दूंगी और थोड़ा सा चलाऊंगी। तो क्या होगा कि ये जो मेरे पास चावल हैं, इससे एकदम से टेस्ट भी
अच्छा आएगा चावल का, और चावल भी मेरे काम आ जाएंगे। और अगर आपको ये पसंद आए तो आपको इसके लिए अलग से चावल बनाने होंगे, पर मेरे पास ये बचे हुए चावल रखे हुए थे, मैंने इसी से ये एक रेसिपी बनाकर दिखा दी है। अलग से इस चावल में मैंने ये थोड़ा सा जो है टोमेटो सॉस और रेड चिली सॉस को डाल दिया है। अब इसको चलाएंगे, इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आएगा। तो हमारी एक रेसिपी के साथ दूसरी भी तैयार हो चुकी है, आप इसे भी ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन आपको जो मैंने पहली रेसिपी बताई है सोया चंक्स, आप उसको किसी भी टाइम बनाकर खा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी रेसिपी है। अब मैं इसको भी प्लेट में निकालूंगी, आपको किसी भी प्लेट में सर्व करेंगे। और अब हम इसके ऊपर हरा धनिया काट कर डाल देंगे, जिससे देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो ये टेस्टी लगता ही है। और हरा धनिया हर सब्जी का टेस्ट अलग ही कर देता है, टेस्टी बना देता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, यही थी हमारी आज की रेसिपी। अब समय आ गया है ब्यूटी टिप का। आप जब भी बाहर जाते हैं तो काफ़ी धूल अपने फेस पर चिपका कर आते हैं, क्योंकि कहीं भी जाएँ आजकल धूल मिट्टी नज़र आती है। तो उसके लिए क्या है, आप सबसे पहले घर पर आएंगे, अपने फेस को चेहरे को अच्छे से पानी से धुलेंगे, और उसके बाद जैसे आपके फ्रिज में दही रखी हुई होती है तो आप दही ले सकते हैं। दही से एक दो चम्मच दही का लेकर अपने फेस को अच्छे से वॉश करें, अच्छे से फेस पर लगाएं दही, 5 मिनट तक उसको अच्छे से घुमाएं, फिर फेस को धुल लें। अगर दही ना हो तो आप टमाटर भी ले सकते हैं, टमाटर का स्लाइस काट कर आप अपने फेस पर घुमा सकते हैं, इससे भी आपका चेहरा साफ होगा तो आपको काफ़ी अच्छा फ्रेश फील होगा। तो आप ये ब्यूटी टिप आज़मा कर देख सकते हैं। बाहर की कोई भी ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी है आपको। और बस आज का ब्यूटी टिप हमारा यही था, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और जो नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।